हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, उन सभी कमेंट का मैं आप लोगों को जो है आंसर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पे जो है पूछा गया है कि जिनका जो है इनवैलिड बता रहा है उनका क्या सोल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है असाइनमेंट में लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले जो आपका इनरोलमेंट आईडी है वो मेंशन करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को कैसे एंटर करना है, सबसे पहले जो आपका ईयर है वो आपको लिखना है, फिर आपका जो मंथ है वो आपको लिखना है, फिर उसके बाद जो है जो डेट है वो लिखना है। जैसे किसी स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज 2000 में उन्होंने जो है जन्म लिया है, तो 2000 सबसे पहले लिखेंगे हम, और फर्स्ट मंथ है तो 2000 के बाद 01, और डेट जो है 20 है तो 20, तो उसके बाद जो है लॉगिन कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, इनका जो है सेम इन्हीं का कमेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है कि इन्होंने जो है सिक्योरिटी का जो फॉर्म फिल हुआ है उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा हुआ है कि असाइनमेंट का जो नाम कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आपके जो असाइनमेंट होते हैं उसमें जो आपका बुक का कोड होता है उससे आप लोगों को पता चलता है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं बुक के कोड से। जब आप असाइनमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो उस टाइम आप लोगों को शो होगा वहाँ पे ये। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा हुआ है कि बैक असाइनमेंट की डेट चली गई है क्या। तो देखिए, जो बैक असाइनमेंट का जो फॉर्म है उसकी डेट चली गई है, बट अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप लोग अपना जो असाइनमेंट है बैक का वो दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा हुआ है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है, आप लोगों को पता होगा कि आपके जो असाइनमेंट हैं वो जो है 5 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और यूनिवर्सिटी ने जो है अनाउंसमेंट की हुई है कि जो लास्ट डेट होगी असाइनमेंट की वो होगी आप लोगों की 15 अगस्त। तो आप लोगों को जो है इससे पहले जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो दे देने हैं सभी स्टूडेंट को। फिर नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी 2024 वाले असाइनमेंट इनवैलिड लॉगिन बता रहा है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया है कि कैसे आप लोगों को जो है लॉगिन करना है। असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और उससे जो है आप लोगों को हेल्प मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा हुआ है कि एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है डाउनलोड करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो आपका जो मोबाइल है उसमें जो है आप डाउनलोड फाइल में जाइएगा, तो उसमें जो है आप लोगों को शो होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के कुछ कमेंट थे जिनका आंसर मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिया है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं लेके आने वाला हूं चैनल पे। तो और साथ ही में जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को लाइक करके रखना है। और साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन की वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी, और साथ ही में जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।